ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर नगर निगम द्वारा डाली जा रही सिविल लाइन के कारण कृष्णापुरम व विनोद विहार कॉलोनी में हो रहे गड्ढों से परेशान निवासियों को बहुत ही किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से आज समस्त कॉलोनी निवासी प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए व कॉलोनी निवासियों ने पार्षद के खिलाफ नारे भी लगाए। पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र की पार्षद गीता चौहान द्वारा नगर निगम से सिविल लाइन का कार्य चलाया हुआ है। जिस समय पार्षद की गली का कार्य चल रहा था, उस समय पार्षद द्वारा ये कहा गया था कि जब आपकी साइट कार्य चलेगा तो आप सभी का रास्ता इस गली से रहेगा, लेकिन वहाँ का काम खत्म होने के बाद पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह ने सभी गलियों को बंद कर दिया, जिस कारण से हम सभी कॉलोनी निवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिविल लाइन डालने वाले गड्ढा कर देते हैं पर उसको समय पर सही नहीं करते हैं, जिस कारण से यहां पर जलभराव की समस्या भी बनी रहती है। और आज फिर सिविल लाइन डालने वालों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा था, जिसको हम सभी ने आकर यहां पर रोक दिया है और हम पार्षद को फोन कर रहे हैं, लेकिन वे फोन नहीं उठा रही हैं। शिवसेना महानगर उपाध्यक्ष राजीव ठकराल ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण यहां पर जलभराव की समस्या बनी रहती है तथा और भी कई समस्याएं यहां के निवासियों को हो रही है। इसी संबंध में हम आज यहां पर आए हैं। यहां पर आकर हमें पता चला कि ये सभी लोग क्षेत्र के पार्षद के यहां पर अपनी फरियाद लेकर गए थे, परंतु उन्होंने इनकी और कोई ध्यान नहीं दिया और जो रास्ते और गलियों से होकर निकलते थे वे सभी गलियां बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण ये सभी लोग आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। हम सहारनपुर नगर निगम नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह से आग्रह करना चाहते हैं कि वे इस विषय पर जल्द से जल्द ध्यान दें, जिससे कि इन कॉलोनी निवासियों को इन सभी समस्याओं से निजात मिले। सर, हम कृष्णापुरम के वासी हैं। सर, हमारे जो यहाँ के पार्षद जी है गीता चौहान और दिग्पाल सिंह विजय उनके पति हैं। सर, उन्होंने ये वादा किया था, उधर की गलियाँ काम चल रहा था नगर निगम से, तो हमने वहाँ पे ऑप्शन उठाया था, तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जब इधर का काम चलेगा सीवर का तो हम आपको रास्ता देंगे, और उधर से ही हमारा रास्ता था, तो उधर से उन्होंने वो गलियाँ बंद करा दी। और इधर से जो सीवर का काम, सर अभी एक गड्ढा पहले खोदा था, वो 3 महीने हम लोगों को दिक्कत हुई, हमारे घर पर शादियाँ थी, हम लोगों को बहुत घूम करके आना, आज उन्होंने हमारा कोई रास्ता नहीं हुआ और इधर गड्ढा खोद दिया गया है। आज फिर हमने यहाँ पे इकट्ठा होकर के रोक लगाई है सर इस पे, और अभी उन्हें पार्षद जी को हम फ़ोन कर रहे हैं सुबह से, तो सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और एक बार रिसीव किया उसके बाद कह दिया भाई कुछ नहीं हो सकता, ना कोई गली खुलेगी ना आपको रास्ता मिलेगा, जो आपसे हो वो कर लो। उन्होंने हमको ये चेतावनी दे दी गई है, तब हम सर यहाँ लोग बैठे हुए हैं मोहल्ले पे के सभी इकट्ठा हैं, लेडीज़ भी हमारे साथ, सब बच्चे वगैरह सब यहाँ पे, हम बहुत परेशान हैं सर। उधर पंजाबी बाग से भी सर सारी गलियाँ फट चुकी है, और हमें अगर हमें 10 रुपये का सामान लेना है तो वो हमें सामान 100 रुपये का पड़ रहा है, क्योंकि हमें सब उधर से घूम के जाना पड़ रहा। तो इस समस्या को, ये बहुत गंभीर समस्या है, हमारे सब इधर से मोहल्लावासी सब परेशान है, तो इसलिए सर आज हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये काम हम रोक लगा रहे हैं। मैं राजीव ठकराल, शिवसेना महानगर उपाध्यक्ष सहारनपुर। आज ये हमें यहाँ पर अपने साथियों की वजह से और पूरे मोहल्लावासियों की वजह से यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर कार्य चल रहा है पिछले कुछ ही महीनों से, जिसमें 2-2.5 महीने पहले भी परेशान रहे मोहल्लावासी, और आज फिर यहाँ पर कार्य होने जा रहा था सीवर का कार्य को लेकर के, तो आज फिर हमें यहाँ पर आना पड़ा इस वजह से, क्योंकि पीछे 3 महीने काफ़ी परेशान रहे मोहल्लेवासी, और जो यहाँ के पार्षद महोदय हैं उन्हें मोहल्लावासियों ने काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और हमारे साथियों द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ पर हमें रास्ता दिया जाए। और बाकी जिससे हमें पता लगा कि पीछे जो रास्ते यहाँ पर हैं गलियों में आने जाने के लिए, वो रास्ते भी बंद करा दिए गए हैं मोहल्लावासियों के आने जाने के लिए, और ना कि यहाँ के जो मोहल्लावासी फ़ोन कर रहे हैं या हमारे साथी लोग फ़ोन कर रहे हैं, और पार्षद महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और मोहल्लावासी को ये कहा जा रहा है कि वो रास्ता नहीं खुलेगा और ना ही यहाँ से रास्ता मिलेगा, जिस पे जो हो वो कर लो। हमारी नगर आयुक्त जी से बात हो चुकी है, ज्ञानेंद्र जी से, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने उन्हें कहलवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्य ना कोई फ़ोन आया अभी तक किसी प्रकार का, और हम ये चाहते हैं कि जब तक यहाँ की मोहल्लेवासी को रास्ता नहीं मिलेगा काम होते हुए, तब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं होगा, और हम किसी काम में, सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे, हम चाहते हैं कि इनका काम भी हो जाए, मोहल्लेवासी को रास्ता भी मिलता रहे। धन्यवाद।